खरगोन शहर में पहली बार शासकीय विभाग के कर्मचारियों की क्रिकेट स्पर्धा होने जा रही है। आदिवासी विकास विभाग की इस स्पर्धा की खासियत यह है कि इसमें महिला कर्मचारी भी हिस्सा ले रही है। इस अनूठी स्पर्धा में विजेता टीम को दी जाने वाली चमचमाती ट्रॉफी का शनिवार को समारोह पूर्वक अनावरण हुआ। शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में हुए अनावरण कार्यक्रम में सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य ने बताया कि विभागीय कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के उद्देश्य से स्पर्धा कराई जा रही है। इसमें जिले के 8 ब्लॉक के कर्मचारियों की 8 टीमें बनाई गई हैं, जो 27 और 28 जनवरी को होने वाली स्पर्धा में खेल प्रतिभा दिखाएंगे। आयोजन को लेकर कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। अगर हम शिक्षक की बात करें तो क्या मतलब कि मैथिली नहीं हो पा रही है या स्कॉलरशिप की वो इंग्लिश नहीं हो पा रही है या बच्चे कम आ रहे हैं दस संख्या कम है या खड़े उसकी पढ़ाई के साथ साथ ऐसी ऑफिस में मिलता है। तो इन सब से जो एक मन में भाव आता है ना, अपन मतलब डिप्रेस हो रहे हैं या कहीं कुछ बातें ऐसी मन में आ रही है, तो इन सब के लिए कि स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करें में हमको कुछ परिवर्तन अपने लाइफ में मिले, एक नई ऊर्जा का संचार स्फूर्ति आए। इसी उद्देश्य से एक हमारे टाइप ऑफ आयोजन किया जाए कि इसमें हम लोग आगे और इम्प्रूव ला सके। जनजातीय कार्य विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कार्यरत हैं, तो प्रायः देखने में आता है कि जो हमको कार्य के दौरान तनाव महसूस होता है या हम कभी कभी डिप्रेशन सा महसूस करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक नवाचार प्रारंभ किया जिले में, क्रिकेट स्पर्धा जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही इसमें सम्मिलित होंगे, ताकि वो खेल के साथ साथ आपस में उनका उनके हेल्थ में सुधार होगा और उनके मस्तिष्क में तरोताज़ा विचार आएंगे और वो बेहतर तरीके से आगे कार्य करेंगे, नई ऊर्जा का उनका संचार होगा। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है और इसका समापन 28 तारीख को किया जाएगा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।